हेलो दोस्तों, अभी मैं सोशियोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वर्तमान समय में जो कोर्स कंटेंट है उसमें सोशियोलॉजी के भी बहुत सारे चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। आप एमपीपीएससी के और यूपीएससी के सिलेबस को ज़रूर देखें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में विवाह की पद्धति। अब जब हम ये बोलते हैं तो भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। तो बेसिकली मैं इस पर दो क्लास लूँगा। आज मैं हिंदू विवाह पद्धति के बारे में आपको बताऊँगा और उसके बाद सेकंड क्लास में, दूसरे क्लास में मैं हिंदुस्तान के जो अन्य कम्युनिटी हैं, अन्य जो रिलीजियस ग्रुप हैं, उनमें क्या क्या विवाह की पद्धति है उसके बारे में बताऊंगा। तो चूंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है इसीलिए मैं इसको दो भाग में, मतलब दो लेक्चर में बांटूंगा और सेकंड लेक्चर में मैं विभिन्न जो धार्मिक समूह हैं उनके विवाह में, विवाह के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह जो है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, माने विश्वव्यापी संस्था है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि विवाह की पद्धति नहीं हो। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो इसका जो डिफिनेशन दिया है कि इट इज़ ए एडजस्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल पर्पस, आप जानते होंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, तो इट इज़ ए एडजस्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ नेचर एंड सोशियोलॉजिकल पर्पस ऑफ मैन। इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक बायोलॉजिकल बीइंग है और उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं और कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं। तो दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह के माध्यम से किया जाता है। विवाह के दौरान हम अपना जीवन शुरू करते हैं। एक हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, जो हमारी पत्नी होती है वो दूसरे कुल गोत्र की होती है, दूसरे जगह की होती है, दूसरे फैमिली से बिलोंग करती है। और जब हमारे फैमिली में आती है तो उसके बाद में दो फैमिली के बीच में एक यूनियन पैदा होता है, मतलब संबंध स्थापित होते हैं, रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसके अलावा विवाह का क्या काम है? टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रेन, बच्चे पैदा करना। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, आज जो मैं केवल हिंदुओं के विवाह पद्धति के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो इसके जो फैसेट्स हैं, जो उसके आयाम हैं, उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे हिंदू पद्धति में बहुत सारे जो लॉ गिवर्स हैं, जैसे आपस्तम या मनु, तो उनके द्वारा जो विवाह के जो बारे में जो डिफिनेशन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बताया गया है कि मैरिज इज नॉट ए सेंस एंजॉयमेंट, मैरिज इज नॉट ए सेंस एंजॉयमेंट बट फॉर द परपेचुएशन ऑफ रेस।
तो अपने वंश को वृद्धि करने का एक माध्यम है मैरिज। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मनुष्य के विकास में फैमिली का या परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य के विकास के क्रम में परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। और मैंने पूर्व के वीडियो में आपको मेसोलिथिक पीरियड में बताया था कि किस प्रकार से मनुष्य 25-30 के समूह में, जिसको कि अंग्रेजी में बैंड कहते हैं, BAND बैंड, उस समूह में रहते थे। और बाद में उन्होंने देखा कि अगर आपस में ही हम शादी करते हैं तो बहुत सारे कॉन्जेनिटल डिजीज पैदा होते हैं, जेनेटिकल डिजीज पैदा होते हैं, बच्चे जल्दी मरते हैं, बहुत सारे मोर्टिलिटी रेट होते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हालांकि विकास के क्रम में वो बहुत पीछे थे उस जमाने में, लेकिन मनुष्य में कॉमन सेंस होता है और उसी कॉमन सेंस के आधार पर उन्होंने पाया, क्योंकि उस समय तो जेनेटिक्स विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, उन्होंने देखा कि इतना मोर्टिलिटी रेट क्यों हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए जब हम बता रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैं हिस्ट्री पढ़ लिया हूं तो अब क्या करना है। हिस्ट्री का भी सोशियोलॉजी से उतना ही कनेक्शन है जितना कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री से कनेक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेकान ट्रिप में, जिसको कि महाराष्ट्र कहते हैं, बहुत सारे जोसेफ जॉर्वे कल्चर, मैंने बताया था इमाम गांव का जो इम्पॉर्टेंट साइट है जहां पर एक्सकैवेट किया गया था, तो वहां पर इतिहासकारों ने क्या पाया, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन मिले हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट, कि इसका इंडिकेशन यह है कि बहुत सारे मोर्टिलिटी रेट होता था, और यह मेसोलिथिक साइट्स के एक्सकैवेशन पर पाया गया। तो जो हमने पूर्व के वीडियो में बताया था, इसका मतलब यह हुआ कि इन्फेंट मोर्टिलिटी, बच्चों के मृत्यु दर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरे बैंड में, जो दूसरे बैंड में, दूसरे जो समूह थे 25-30 लोगों के, उस समय आबादी बहुत कम थी, तो उसमें उन्होंने शादी करना शुरू किया। तो इसी तरह से धीरे इतिहास विकास के क्रम में मनुष्यों ने परिवार बसाया, और परिवार का जो बेसिक फाउंडेशन था वो क्या था, मैरिज, विवाह। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे लॉ गिवर्स हैं, उन्होंने जो विवाह के जो एम बताए हैं, जो उद्देश्य बताए हैं, वो क्या है, वो तीन है। पहला क्या है कि प्रजा, मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, पहला है धर्म, जो एम है विवाह के वो है धर्म, और दूसरा है प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रेन, प्रोक्रिएशन माने संतान की उत्पत्ति। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसुअल प्लेजर, इस तरह से आप देखेंगे कि जो विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं, उन्होंने सेक्सुअल लाइफ पर या सेंसुअल प्लेजर पर को उन्होंने तीसरे पावदान पर रखा है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है वो है धर्म। जब एक पति और पत्नी एक दूसरे से शादी करता है तो वो धर्म की रक्षा के लिए करता है, और जो जो भी वो यज्ञ करता है या पूजा करता है या ईश्वर को आवाहन करता है, तो पति और पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में पति पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब हाफ लाइफ, मतलब कोई भी मनुष्य या पति पूर्ण नहीं है जब तक कि उसके साथ में पत्नी नहीं है। तो कोई भी धर्म के काम, कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन,
बिना पत्नी के नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि पत्नी का एक नाम क्या है, अर्धांगिनी, और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, संतान की उत्पत्ति। अब अगर संतान की उत्पत्ति नहीं होगा तो वंश की वृद्धि नहीं होगी, और वंश की अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि मनुष्य जाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य जाति को बढ़ावा देने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके इवोल्यूशन के लिए, जो कि वर्षों से हर एक समाज में होता आया है, हमारे हिंदू संस्कृति में भी संतान उत्पत्ति और खास करके मेल चाइल्ड माने सन, और जैसे कि मनु ने कहा है कि सन का मतलब पुत्र प्राप्ति होना जरूरी है, क्यों कि इससे ही आपको मोक्ष मिलेगा। हालांकि आज के जमाने में इसकी अवधारणा बदल गई है, जो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो संतान उत्पत्ति दूसरा जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसमें पुत्र का होना जरूरी है। अगर जिसको पुत्र नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पितर माने पूर्वजों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। मतलब जो पूर्वज के जो हमारे पर जो ऋण हैं, जो हमारे डेट हैं, उससे हम उद्धार नहीं पा सकते। क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी प्रतिपक्ष जब होता है दुर्गा पूजा के ठीक 15 दिन पहले, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो हिंदू लोग हैं, हिंदू हैं, वो सभी अपने पितरों के माने पूर्वजों को जल देते हैं। जल देने का मतलब कि सभी पूर्वजों को आवाहन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, और हम कहते हैं कि अगर आपने हमें पैदा न किया होता तो आज हम इस पृथ्वी पर नहीं होता। तो हिंदुओं में पितरों का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ज्यादा है। और तीसरा जो उनका एम है वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसुअल लाइफ, सेंसुअल प्लेजर। आप जानते हैं कि मनुष्य की जो भूख है वो दो है, हंगर, और इसको जो भी नकारता है वो बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। तो इसीलिए आप देखेंगे दो हंगर क्या है, अगर आप एक आप बायोलॉजिकल बीइंग हैं तो आपकी दो आवश्यकता है मनुष्य का या कोई भी जीव का, वो दो क्या है कि आपको रोटी मिलना चाहिए, रोटी माने ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। और दूसरा सेक्स लाइफ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से लाइफ लीड कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या है, सोशल बीइंग, मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसके साथ में सामाजिक बंधन या सामाजिक सरोकार होना जरूरी है। तो विवाह क्या करता है, विवाह तीनों को फुलफिलमेंट करता है। और तीन क्या है कि अगर आप अर्थ का उपार्जन करेंगे, दोनों पत्नी पति मिलकर के काम करेंगे तो ब्रेड का अर्जन करेंगे, धनोपार्जन करेंगे, जो हम पुरुषार्थ का चैप्टर में आपको अलग से बताएंगे, हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो पुरुषार्थ होगा, उसमें मैं डिटेल से व्याख्या करूंगा, और ये टॉपिक भी यूपीएससी और एमपीपीएससी में शामिल है। तो ब्रेड और बटर का इंजाम मैंने धन अर्थ का उपार्जन करना है, क्योंकि खाना जरूरी है और उसके लिए अर्थ का उपार्जन करना होगा। और दूसरा सेक्स लाइफ, जिससे कि संतान उत्पत्ति होगा और मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन होगा। और तीसरा, जब हम शादी करते हैं तो किसी दूसरे गोत्र में विवाह, जिसके बारे में अभी बताएंगे, तो दूसरे फैमिली में शादी करते हैं और उस फैमिली से हमारा रिश्तेदारी बन जाता है, और इस तरह से हम एक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से शादी जो है वो तीन इम्पॉर्टेंट उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मैं समझता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान में रखने वाली चीज है कि हिंदुओं में जो विवाह के बारे में बताया गया वो बताया गया है सैक्रामेंट, SACRAMENT, सैक्रामेंट। सैक्रामेंट मतलब क्या होता है, पवित्र, सेक्रेड, या पवित्र हिंदी में लिखेंगे
ऐसा पवित्र रिश्ता जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें अब डाइवोर्स का भी विधान कर दिया गया है, विडो रीमैरिज का भी प्रावधान किया गया है, ये सही है और अभी हो भी रहा है। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी भी कमोबेश 90% मामले में यही चलता है, तो हमारे जो हिंदू पद्धति की जो विवाह है, हिंदू विवाह है, वो क्या है? सैक्रामेंट है। सैक्रा मतलब सैक्रेड, पवित्र। ऐसा बंधन जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता, अटूट बंधन है। लेकिन जो इस्लाम में क्या है दोस्तों, इस्लाम में जो मैरिज है वो क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अभी मैंने केवल शॉर्ट में आपको बताया कि मुस्लिमों में जो शादी का विधान है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, एग्रीमेंट है। लेकिन हमारे यहां क्या है हिंदुओं में? वो है सैक्रामेंट, जो कि जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। अब और इसी से जुड़ा हुआ है रिलीजन। तो हिंदू मैरिज जो है बेसिकली वो रिलीजियस है, रिलीजियस। और मुस्लिमों का जो मैरिज है वो है नॉन रिलीजियस, सेकुलर, सोशल। खैर, अब इसके बाद में हम आते हैं कि हिंदुओं में 8 प्रकार के कौन कौन से शादी के विधान थे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हिंदू मैरिज है उसमें विधान के हिसाब से 8 प्रकार के मैरिज निर्धारित किए गए, जिसमें कि 4 अप्रूव्ड था और 4 डिसअप्रूव्ड था। तो 8 प्रकार के मैरिज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है, इसमें लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिंदू मैरिज। तो पहला जो सबसे जो बेस्ट मैरिज है वो क्या है? ब्रह्म मैरिज। दूसरा है देव, तीसरा है आर्स और चौथा है प्रजापति। तो ये चारों जो मैरिज हैं वो अप्रूव्ड मैरिज है, जिसको कि लॉ गिवर्स ने उसको मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो पहला जो ब्रह्म जो मैरिज है वो क्या होता है? उसमें लड़की का पिता या उसका गार्जियन लड़की को एक ऐसे लड़के से शादी कराता है जो कि सुसंस्कृत हो, और वो जो ब्राइड है वो पूरी तरह से उनको ऑर्नामेंट्स, जो उसको कि बाद में स्त्री धन का नाम दिया गया, तो एक सुसंस्कृत, एक कल्चर्ड, एक एजुकेटेड ग्रूम से शादी कराया जाता है, और जिसमें कि ब्राइड के पिता अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रह्म टाइप ऑफ मैरिज। दूसरा जो टाइप मैरिज है वह देव, इसमें जो ब्राइड को उसके पिता के द्वारा ऐसे व्यक्तियों से शादी कराया जाता है जो उनके यज्ञ में उनको यज्ञ की कार्रवाई कराया हो, या मतलब पुरोहित का काम करवाया हो, और उसके दक्षिणा के स्वरूप, मैंने आप जानते हैं कि यज्ञ जब कराया जाता है तो दक्षिणा जो है पुरोहित को दक्षिणा दिया जाता है, उस दक्षिणा के स्वरूप जो है अगर लड़की के पिता अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं किसको? पुरोहित को, तो उसको बोलते हैं देव टाइप ऑफ मैरिज। इसको ये भी बहुत ज़्यादा ये पद्धति प्रचलन में नहीं रहा। और तीसरा है कि अगर आर्स टाइप ऑफ मैरिज,
कि इसमें ब्राइड के पिता के द्वारा ऐसे ग्रूम से शादी कराया जाता है और उस एवज में वो दो एक जोड़ी गाय या बुल वो लेता है, तो उसको आर्स टाइप ऑफ मैरिज कहते हैं। तो इसको जो लॉ गिवर मनु है इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है चाहे आप छोटे तादाद में कोई सामान गिफ्ट में लो या बड़े तादाद में लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसकी उन्होंने इस टाइप के मैरिज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और इसके अलावा चौथा टाइप जो है वो प्रजापति, इसमें ब्राइड के पिता के द्वारा ब्राइड को ग्रूम से शादी इस आधार पर कराया जाता है कि वो शादी के बाद में कुछ जो सामाजिक और धार्मिक जो संस्कार हैं, जो ऑब्लिगेशन हैं, उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से चार प्रकार के मैरिज जिसको कि अप्रूव्ड मैरिज कहते हैं, वो हमारे एंशिएंट इंडिया में हिंदू विवाह पद्धति में लागू था, जिसमें कि दो जो है दैव और आर्स, इसको ये बाद में आउट ऑफ डेट हो गया क्योंकि लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उनका कहना यह था कि अगर आप किसी अपनी लड़की को अगर किसी लड़के से शादी कराते हैं तो आप ये देखिए कि क्या वो लड़का स्वस्थ है कि नहीं, वेल एजुकेटेड है कि नहीं, क्या वो अर्थ का उपार्जन कर सकता है कि नहीं, क्या फैमिली को सस्टेन करने की उसमें क्षमता है कि नहीं। लेकिन अगर आप अगर कोई यज्ञ कराता है या वो पुरोहित को आप अपनी बेटी को दक्षिणा के एवज में दान कर देते हैं तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। वो लड़की या ब्राइड कोई मवेशी नहीं है कि आपने बिना उससे पूछे या बिना उससे स्वीकृति लिए हुए आपने अपनी बेटी को पुरोहित को दान दे दिया। और उसी तरह से आर्स, इसमें भी लॉ विभिन्न प्रकार के लॉ गिवर्स ने जो इन्होंने धर्म सूत्राज लिखा है उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई आप या दो गाय लेते हैं या चार गाय लेते हैं या दो बुल लेते हैं और उसके एवज में अगर आप शादी कराते हैं या गिफ्ट कर देते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो धीरे धीरे देव और अर्स प्रकार के जो मैरिज थे वो आउट ऑफ डेट हो गए, मतलब प्रचलन में लागू नहीं रहे। लेकिन ब्रह्म और प्रजापति ये दोनों प्रकार के मैरिज अपने हिंदू समाज में व्याप्त रहा। अब जो चार प्रकार के और मैरिज सिस्टम थे हिंदुस्तान में, खास करके हिंदू समाज में, वो कौन कौन सा था? तो पहला था असुर, दूसरा गंधर्व और तीसरा राक्षस और चौथा पैसाच। ये चार प्रकार के मैरिज भी प्रचलन में थे लेकिन धर्म शास्त्र ने या लॉगिवर्स ने इसको कभी मंजूरी नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस प्रकार की शादियां होती रहती थी हिंदू समाज में भी, हालांकि उनके तादाद बहुत कम होते थे। तो असुर में, असुर प्रकार का जो मैरिज था उसमें क्या होता था दोस्तों, उसमें यह था कि ब्राइड के पिता के द्वारा ब्राइड ग्रूम से न दुल्हा से पैसे लिए जाते थे, मनी लिया जाता था और उसके एवज में अपनी बेटी को वो शादी उस ग्रूम से कराते थे। तो मेन कंसिडरेशन वाज मनी एंड इन लियो ऑफ मनी दे गिफ्टेड देयर डॉटर टू द ग्रूम। तो इस प्रकार के मैरिज को मनु ने या दूसरे लॉगिवर्स ने इसको मंजूरी नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे और हमें पता है
कि बहुत सारे जो कुलीन ब्राह्मण थे जो कि बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर थे आज से करीब 50-100 साल पूर्व, तो कुलीन ब्राह्मण से शादी कराने के लिए जो निचले तबके के जो ब्राह्मण होते थे वो अपनी बेटी को शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहते थे। और इस चक्कर में जो कुलीन ब्राह्मण जो ग्रूम होता था वो एक नहीं दो नहीं 10 शादी करता था। और निचले तबके के ब्राह्मणों से, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्राह्मणों में भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन है, राजपूतों में भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन है, कोई अपने को हाई मानता है कोई लो मानता है। ये पद्धति बंगाल में बिहार में ये काफ़ी प्रचलन में था। और जैसे कि बंगाल ब्राह्मणों में देखेंगे कि वहाँ पर कैटेगरी है ब्राह्मणों की, कुलीन क्षत्रिय इस तरह के, या मैथिल ब्राह्मणों में आप देखेंगे कि क्षत्रिय ब्राह्मण, भलमानुष ब्राह्मण, जयवार ब्राह्मण और एक और प्रकार का ब्राह्मण, चार प्रकार के ब्राह्मण थे। और ये ब्राह्मण एक दूसरे में शादी नहीं करते थे, तो हम उसके बारे में भी धीरे धीरे बताएंगे आपको। तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण होता था वो क्षत्रिय ब्राह्मण की बेटी से ही शादी करता था। अगर मान लीजिए कोई लोअर लेवल का ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी क्षत्रिय ब्राह्मण से कराना चाहता है तो उस स्थिति में उसे पैसा भी देना होता था, किसको, कुलीन या क्षत्रिय ब्राह्मण के वर को, मतलब ग्रूम को, और साथ साथ शादी भी कराना होता था। ये हाल तक ये प्रचलन रहा है बंगाल में और बिहार के ब्राह्मणों में। हालांकि इसको कभी भी मान्यता प्रदान नहीं हुआ, लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा था। दूसरा जो प्रकार है वह गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को बेसिकली लव मैरिज कहेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं महाभारत में भी और रामायण में भी और बहुत सारे मामले में कि गंधर्व विवाह हमेशा से चलता रहा है। जैसे हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का संयुक्ता से जो लव मैरिज के आधार पर शादी हुआ था, तो लव मैरिज में ग्रूम का और ब्राइड का दोनों का सहमति जरूरी था। और अभी भी ये चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, पुराने ज़माने में भी चल रहा था, लेकिन उनकी जो संख्या होती थी वो कम होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विज में, ब्राह्मणों में भी क्षत्रिय में भी लव मैरिज या गंधर्व विवाह प्रचलन में था। हालांकि इसमें लड़की के पिता या लड़के के पिता या उसके परिवार का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं होता था। दोस्तों तीसरे प्रकार का जो मैरिज था वो राक्षस मैरिज था। ये बहुत ही घृणित टाइप का मैरिज था और इसको भी समाज की स्वीकृति नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शादी होती थी। और जैसे कि इसमें लड़की को उसे जबरदस्ती बिना उसकी स्वीकृति या कंसेंट लिए हुए ग्रूम उसको लेके भाग जाता था और फिर उसको उससे शादी कर लेता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महाभारत के समय में लॉर्ड कृष्ण के द्वारा रुक्मणी को इलोप करके और फिर शादी कर लिया गया था, या उसी तरह से आपने देखा होगा कि अर्जुन ने किस तरह से सुभद्रा के साथ में शादी किया था। ये इसी टाइप की शादी थी, उसको भी लेके भागा गया था। अभी हाल के वर्षों में अगर आप यहाँ के नज़दीक में झाबुआ में जाएं आदिवासियों के बीच में, हालांकि उसका प्रथा अभी कम हो गया है, लेकिन जो भगोरिया का जो पर्व होता है उनके यहाँ, जो साल में एक बार होता है फरवरी मार्च के महीने में, तो वहाँ पर या बाद के समय में भी लड़कियों को भगा करके शादी करने का प्रथा प्रचलन में था और छिटपुट मात्रा में अभी भी प्रचलन में है। अगर लड़की बहुत सुंदर दिख गई, उन्हें पसंद आ गया, तो लड़की को लेके भाग गए और इस तरह से शादी कर लिया। तो ये जो पद्धति है इसको बोलते हैं राक्षस पद्धति। राक्षस पद्धति इसको भी हमारे लॉ गिवर्स ने कभी मान्यता नहीं दिया, लेकिन हिंदू समाज में छिटपुट घटना और ट्राइबल समाज में भी छिटपुट घटना या इस प्रकार की शादियाँ होती रही हैं। और इसके अलावा लास्ट में है पैसाच। और दोस्तों जैसे कि पैसाच के मामले में क्या होता है कि जब
ब्राइट सोई हुई या अनकॉन्शस है या उसको इंटॉक्सिकेटेड कर दिया गया है, मतलब उसको नशा पत्ती खिला दिया गया है, और ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ में ब्राइड के साथ में शादी की किसी ग्रूम के द्वारा शादी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसाच पद्धति से शादी। इसको भी हमारे लॉ गिवर्स ने कभी मान्यता नहीं दिया और ये सबसे घृणित प्रकार की शादी है। अब चलते हैं कि पति के संख्या या पत्नियों की संख्या के आधार पर, संख्या नंबर्स के आधार पर हिंदुओं में विवाह के कितने प्रकार थे, तो तीन प्रकार थे। एक था पॉलीगाइनी, दूसरा पॉलीएंड्री और तीसरा मोनोगैमी। अब पॉलीगाइनी को क्या बोलते हैं, बहुपत्नी विवाह, मतलब एक से ज्यादा पत्नी से शादी हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनी। अब दोस्तों हमारे शास्त्रों में तो अक्सर सिर्फ एक पत्नी से शादी करने का विधान था, हालांकि शादी कितनी भी हो सकती थी लेकिन अमूमन एक व्यक्ति एक ही लड़की से शादी करता था हिंदुओं में। हालांकि मुसलमानों में शुरुआत से ही चार पत्नी रखने की, और अभी भी इस्लाम ने स्वीकृति दिया हुआ है। तो पॉलीगाइनी, अब आप 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक शादी करने का ही कानून बना हुआ है। अगर आप दो शादी करेंगे तो आपके खिलाफ में मुकदमा कायम हो सकता है 494-495 IPC के तहत में। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो मैरिज था उसमें एक हिंदू 1955 से पहले 2-3-4 प्रकार शादी कर सकता था। ऐसी शादी में जो खास करके जो एरिस्टोक्रेट क्लास के होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो एक से अधिक, उनकी एक से अधिक पत्नी होती थी। हालांकि लॉ गिवर्स ने कभी भी इस एक्ट को मान्यता, मैंने इस कार्रवाई को मान्यता नहीं दिया, लेकिन फिर भी छिटपुट घटना होती रहती थी जिसमें कि बड़े बड़े लोग 2-4-5 शादियां करते थे। पॉलीएंड्री में क्या होता है, पॉलीएंड्री में एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन जैसा कि आप जानते हैं महाभारत काल में द्रौपदी के 5 पति थे, हालांकि स्वयंवर में तो अर्जुन ने जीता था उनको, लेकिन 5 भाई की पत्नी थी। अभी हाल में हिंदुस्तान में टोडा एंड कोटा, ये 2 जातियां हैं, और केरल में नायर, यहां पर टोडा और कोटा ये नीलगिरी पर्वत के आसपास में रहते हैं। यहां पर इन दोनों आदिवासी समूह में एक पत्नी के बहुत सारे पति थे, मतलब बहुपति विवाह। इसका कारण क्या था, इसका रीजन ये था कि टोडाओं में इन्फेंटिसाइड ये बहुत ही घृणित प्रथा था जिसमें कि बच्चों के बलि दे दिए जाते थे। तो इसके कारण से बच्चों की कमी होने के कारण से एक पत्नी से 4-5 लोग, मतलब एक महिला से 4-5 लोग शादी करते थे, क्योंकि लड़कियों की तादाद बहुत कम थी अभी। और इसी तरह से नायर में था तो हालांकि अब कानून बना करके पूरी तरह से इस पद्धति को रोक दिया गया। और तीसरा जो है वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसमें कि एक ग्रूम एक ब्राइड से शादी करता है और जीवन पर्यंत उसके साथ कस्में खाता है कि हम तुम्हारे साथ में जीवन पर्यंत तक रहेंगे, जो हिंदू धर्म में उनको ऑर्डेंड किया गया, आदेशित किया गया है। तो इस तरह से मोनोगैमी, एक पत्नी विवाह, ये हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है। और
इसको लॉगिवर्स ने पूरी तरह से मान्यता दिया है कि अगर एक पत्नी से शादी करते हैं तो आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी जो आपके जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उसके निर्वहन में आप सक्षम होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो मनुष्य की जो जो बायोलॉजिकल संरचना है उसके हिसाब से एक व्यक्ति एक पत्नी को पूरी तरह से उसे सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकता है, संतुष्टि दे सकता है, मानसिक और शारीरिक संतुष्टि में वो सक्षम हो सकता है और इस तरह से सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन करने में वो सक्षम हो सकता है। और इसका जो बहुत बड़ा ज्वलंत जो उदाहरण जो है हमारे सामने में वो रामचरितमानस में लॉर्ड राम के द्वारा हम देखते हैं कि उन्होंने, जो भी आप लोग रामचरितमानस या रामायण पढ़ते होंगे उसमें उन्होंने पूरी तरह से एक पत्नी व्रत, एक पत्नी उसका उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया हुआ है। हालांकि अब तो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 के द्वारा पॉलीगाइनी को या एक से अधिक पत्नी से शादी करना पूरी तरह से कानूनी रूप से बंद किया जा चुका है। इसके अलावा हिंदुओं में एक दूसरे प्रकार भी हैं और वो क्या है, अनुलोम विवाह। विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू समाज जो है ना कास्ट बेस्ड समाज है, जाति पर आधारित समाज है। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए जो हमारा जो वर्ण सिस्टम है उसमें सबसे जो ऊंचा जो पोजीशन है उस किसका है, ब्राह्मण का। थ्योरेटिकली मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर मान लीजिए ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रूम के द्वारा क्षत्रिय ब्राइड से शादी कर ली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाइपरगेमी, हाइपरगेमी। इसी तरह से मान लीजिए क्षत्रिय ने, किसी क्षत्रिय ने वैश्य की लड़की से शादी कर लिया तो यह भी हो गया अनुलोम विवाह या हाइपरगेमी। या वैश्य के लड़के ने शूद्र से शादी कर लिया, शूद्र की लड़की से शादी कर लिया तो वो भी हो गया, ये हो गया अनुलोम विवाह या हाइपरगेमी। ठीक है, अब जो एक और प्रकार है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं आपको। एक होता है आप जानते होंगे इग्जोगेमी और इंडोगेमी। अब दोस्तों जैसा कि अभी आपको आपको मैंने बताया, इंडोगेमी क्या होता है कि अगर एक कास्ट या सब कास्ट उसी सब कास्ट में शादी करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसको बोलते हैं इंडोगेमी। मान लीजिए कि, और इसके भी रूप जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ते गए हैं। जैसे कि आपको अब बंगाल के ब्राह्मण के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि बंगाल में आप देखेंगे ब्राह्मणों में तीन वर्ग है, कुलीन, वंशज।